झारखंड विधानसभा चुनाव जो है सर पर है। जोहार नमस्कार आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और हजारीबाग अपडेट्स की टीम आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में वहां पहुंची है और इसके लिए सबसे पहले शहीद अल्बर्ट एक्का को दिल से नमन। आज लोगों से जानेंगे कि झारखंड सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। तो सबसे पहले जो है रिक्शा वाले भैया जो है यही रुक गए, कैसा रहा झारखंड सरकार का कार्यकाल? झारखंड सरकार इंडिया में कोई नहीं जाता है, रिक्शा लोग कमाने नहीं देता है, सब ऑटो निकल जा रहा है, इतना कमा रहा है ऑटो वाला। हमको गरीब आदमी ने इसका माय नहीं है, गरीब आदमी ने हमको है, सिर्फ हम मजूरी से कमाते हैं रिक्शा लगा के। आज का माय डेट हो गया, हार्ट की बीमारी था, उसको रिक्शा में लेके चलते हैं। अच्छा, कितना सब कुछ तो योजनाएं चल रही हैं, आप कोई योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमको मांग है रूम दे दीजिए, जुगाड़ कर दीजिए, हम अपन सचार हैं, कमाएंगे खाएंगे, भाड़ा लगा गाड़ी चलाते हैं, कोई देखता नहीं है, कोई है ये नहीं है, क्या करेंगे बोलिए। क्या आप बताइए कैसा रहा झारखंड सरकार का कार्यकाल अभी तक? जैसे अब तो कंप्लीट होने वाला, फिर चुनाव आएगा, फिर वोट मांगने के लिए अलग अलग दल के लोग आएंगे। काम नहीं मिल रहा हमको, लेबर क्या करेगा बोलिए, अभी लेबर को काम नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा लेबर बताइए? गरीब आदमी क्या करेगा बोलिए? डेली घूम के जा रहे हम, तो क्या कर रहा सरकार? कुछ नहीं कर रहा सरकार। 30 दिन में 10 दिन काम मिलता है हम लोग का, 30 दिन में 10 दिन काम मिलता है। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए बताइए? काम दीजिए, सरकार को काम देना चाहिए। मेरा बाल बच्चा का पढ़ाई लिखा है, एग्जाम चल रहा है, तो कहाँ से फीस भरेंगे? 5-10 हज़ार रुपया फीस मांगता है, तो कहाँ से देंगे? काम होगा तब ना देंगे, काम होगा पैसा आएगा, जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। बाल बच्चा पढ़ाएंगे ना, बाल बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे। इतना सारा योजना सरकार निकाली, किसी चीज से तो लाभान्वित हुए? सरकार को आप ना बोलिएगा मैडम, आप किसी चीज से लाभान्वित हुए कि नहीं हुए अभी तक? हुए। किस किस चीज से? तो मेरा ये नहीं हो रहा, अभी देखिए हम घूर के जा रहे हैं। नहीं नहीं, सरकार का जो भी योजना था, एक को तो योजना से लाभान्वित हुए ना? मोदी को देते हैं, मोदी को ये मोमाना रहा, ये हिंदू रहा। झारखंड सरकार के बारे में पूछ रहे हैं आपको। शिव सरन तो दे रहे पैसा 1,000 रुपया। हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत दे रहे 1,000 घर में मिल रहा है। हाँ। 2 महीना बचा है, चुनाव हो जाएगा शायद, कैसा रहा कार्यकाल? एकदम थर्ड क्लास, ना रोड सफाई होता ना कुछ है, सब यहाँ का जो प्रशासन है सबसे खराब है। मैंने देखिएगा काटा टोली चौक से लेके नेताजी नगर काटा टोली पूरा टेम्पो भरा हुआ है, जो कि 3 मैंने 1-7 फुट जगह छोड़ के सब टेम्पो सब दोनों तरफ ये किया हुआ है, जाम किया हुआ है, कोई काम नहीं किया है। लोगों को परेशानी होती है आने जाने में परेशानी, आप जाके एक बार खुद देखिए ना वहाँ पर। अगर कुछ ऐसा योजना जिससे लाभ मिला हो झारखंड सरकार का? नहीं, हम लोग को जनरल है, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र गुहा। बहुत शुक्रिया आपका। छोला भटूरा जो है गर्मा गर्म बना रहे भैया, और राजनीति भी अभी जो है पूरा गर्मा गई है, सब लग गए प्रचार प्रसार में। अच्छा, अभी कार्यकाल भी जो है इंडिया गठबंधन सरकार का यहाँ पे पूरा होने वाला है, लगभग दिसंबर तक हो सकता है चुनाव हो जाए, कैसा रहा कार्यकाल? हम लोग का ठीक है, पर वो लोग का नहीं बदला पाएंगे है? अगला का नहीं बदला पाएंगे बोलो। आप लोग का ठीक है, चलिए जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा 2-3 तो योजना बताइए जिसका लाभ आप लोग के घर तक पहुँचाओ। कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। बोले हम लोग का ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पर देखिए हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला है अभी, तो कैसे बदला दे? मतलब अपना बिजनेस ठीक चल रहा है ऊपर वाले की दया से, लेकिन ऐसा लाभ नहीं मिला। हाँ। अच्छा, क्या और होना चाहिए था, क्या बचा रह गया? ये तो अभी सरकार से सबका मांग है, सब चीज का व्यवस्था, वो चीज अगर मिल जाए आदमी को तो फिर किसी का दिक्कत नहीं होगा, ये ना आपका होगा ना मेरा भी होगा, उससे ये तो देखिए कब हो पाएगा। अच्छा, राजधानी रांची में किस चीज़ का आपको लगता है सबसे ज्यादा कमी है, उस चीज़ को हो जाना चाहिए था? ये नहीं बतला पाएगा कि यहाँ पे उतना रहते नहीं, हम जो देखते हुए चलना पड़ेगा, जो लगेगा जरूरी है आम आदमी के लिए और सबके लिए वही चीज, ऐसे तो नहीं बतला पाएंगे अभी। क्या नाम हुआ भैया? मेरा विजय कुमार नायक। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इधर जो है कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, बात करेंगे भैया थोड़ा सा। अच्छा, कार्यकाल जो है लगभग अब एंड होने वाला है, फिर वोट मांगने के लिए हर तरह की पार्टीज आएगी आपके घर घर तक, अभी जो वर्तमान में सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला, कैसा रहा कार्यकाल?
कैसा रहा, मतलब ठीक ठाक रहा। जैसे कुछ योजनाएं जिसका लाभ घर तक पहुंचा हो? लाभ वहाँ कुछ बहुत मिला है। क्या क्या? जैसे राशन पानी सब मिला है। अच्छा, क्या और हो जाना चाहिए था साढ़े चार पौने पाँच साल में? अभी तो बहुत ही होना था, बहुत पीछे चल रहा है, अभी जो ब्रिज वगैरह बन रहा है बहुत स्लो काम चल रहा है। अच्छा, जैसे दो महीना बाद अभी चुनाव वुनाव हो के दो तीन महीना में सब ठीक हो जाएगा, क्या मांग करते हैं जो भी सरकार आगे बने? क्या मांग? जो हम लोग को मांग है पूरा हो जाते, बढ़िया बात है। क्या क्या? जैसे जो हम लोग राशन पानी पहले नहीं मिल रहा था, अभी बहुत जगह राशन मिलना बंद हो गया है, बहुत जगह बोल रहा है कि आपका नाम उधर हो गया इधर हो गया, बहुत तरह का सरकार सही सही गलत बता रहा है। नहीं है आप यहाँ के? नहीं है यहाँ के? नहीं है यहीं के? अच्छा, जैसे झारखंडी है प्रॉपर, तब तो आपका बोलना बनता है, आपका हक बनता है। शिवसरन जिंदाबाद। जबरदस्त। अच्छा, दो तो ऐसा कोई योजना बताइए जिसका लाभ घर तक पहुँचा हो आपके इस सरकार में। देखिए, कुछ पहुँचा है कुछ नहीं पहुँची है। 50% नहीं पहुँची है। अच्छा, क्या क्या मिला है योजना? जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जो योजना वो बनाई है, योजना देखिए डायरेक्ट नहीं आ जाते, हल्का हल्का करके पब्लिक के पास पहुंच रही है, थोड़ा रुक रुक करके पहुंच रहे हैं। सरकार योजना बना दी है, थोड़ा रुक रुक के पहुंच रही है, मगर पहुंचेगी भरोसा। हाँ, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ शर्मा। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप जो है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास रहने वाले आम लोगों की राय सुन रहे थे कि झारखंड सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कार्यकाल कैसा रहा, क्या किन चीज़ों को लेके वो खुश हैं, किन चीज़ों को लेकर नाखुश हैं, आपकी अपनी क्या राय है, उसका इंतज़ार हमेशा हजारीबाग अपडेट्स को रहता है। ज़रूर कमेंट कीजिए और तब तक इजाज़त दीजिए, अगली किसी खबर सूचना स्टोरीज की तरफ लेकर चलूंगी, लेकिन उससे जाते जाते जो है पहले हजारीबाग अपडेट्स को इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर तरफ फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पैनी नज़र वेबसाइट पे हजारीबाग अपडेट्स की जरूर बनाए रखिएगा।